दोस्तों नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, भगवान आप सबको अच्छा रखे। हम अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम अपने ब्लॉग में आज कुछ अलग तो नहीं बता रहे हैं, बस ऐसे ही। हमने कहा कई दिन हो गए आपसे बात किए हुए, हमने कहा बात कर लें ब्लॉग के माध्यम से। आप लोग कैसे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोग ठीक ठाक हैं। मेरे जितने भी यूट्यूबर दोस्त हैं जो मुझे फॉलो करने वाले हैं, जो नए देखने वाले हैं, जिनके पास मेरा नया वीडियो पहुंचेगा, वो भी प्लीज़ हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। आज का मौसम देख रहे हैं कैसा है, बादल हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली। वो सूर्य जो छिप रहा है बादल के पीछे, लेकिन सूर्य को कोई टिका नहीं सकता, छुपा नहीं सकता, उसे निकल नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी तेज होती है ना उसमें गर्मी होती है ना। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग, सब अच्छे हैं, घर परिवार में सब बढ़िया है। भगवान करे सबके परिवार में अच्छा चले, कोई बीमार हो, दर्द से तकलीफ हो, किसी को कुछ समस्याएं हो, वो ठीक हो। दुआ करो सब लोग सब ठीक ठाक रहें, अच्छे जीवन चले सबके, रोजी रोटी में तरक्की हो, कोई भूखा प्यासा ना रहे। दोस्तों दुनिया तो चलती है, चलती रहेगी। हम गांव से हैं तो हमें गंवार समझ लिया गया, हम गांव से हैं तो हमें गंवार समझ लिया गया, हम मिट्टी में काम करते हैं इसलिए हमें बेकार समझ लिया गया। ऐसा मत सोच सोचने वालों, ऐसा मत सोच रखो सोचने वालों, जिसको समझ में आया किसान क्या है, उन्हें न हमें अपना परिवार समझ लिया गया है। तो दोस्तों हम काम कर रहे हैं, हरा चारा भर रहे हैं भैंस के लिए, ठीक है। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, तो हम ये कह रहे हैं आज के समय में आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, हवा तेज चल रहा है, इंसान इतना बदलता जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। रिश्ते बस पैसे से चलते हैं, कुछ हालात कुछ बस ऐसे बीत रहे हैं, साथ ऐसे हो रहा है, समझ में आता है। ऐसे हो तो आपके काम न जाने कैसे कैसे हो, सब अच्छे हैं। एक बात बताएं, लड़के हैं हम भी, लड़के हैं हम भी, बहुत प्रेशर चल रहे हैं, बहुत प्रेशर चल रही है। पैसा कितना भी लोगों को बेशक लगता है कि पैसा है, पैसा चाहिए, जीवन में हर काम मानते हैं, हर काम पैसे से होता है, लेकिन शरीर के लिए आराम, शरीर के लिए मानसिक संतुष्टि सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सुखी हैं, शरीर में बीमारी है, समझो सारी समस्याएं आपकी हल है। एक दोस्त है उनका, जैसे पारिवारिक बात हो रही थी, पैसे की बात हो रही थी। जीवन में आप कितना भी पा लें, कितना भी कुछ कर लें, कितना भी खुश हो लें, और बात वही होती है ना, खुश कैसे हो जब तक आपका परिवार खुश नहीं होगा, आपका परिवार चाहेगा नहीं, आपका परिवार साथ नहीं देगा, तब आप खुश नहीं कर सकते। और रही बात पैसे से, मानते हैं पैसे से हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, पैसे से हर काम होता है, हर ज़रूरतें पूरी होती हैं, पर इंसान सुख और सुकून पैसे से कभी नहीं खरीद सकता। जब तक आपका अपना, आपके अपने आपके पास ना हो, आपसे प्यार से और अच्छे तरीके से बात ना करें, आपकी भावनाओं को समझे ना, समझ लीजिए आपके पास कुछ नहीं है। आप जब मानसिक पीड़ा से ही तनाव ग्रसित रहेंगे, पैसे का क्या मतलब है, क्या मोल है। और आज के समय में हर इंसान
बस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशान है, अपने सेहत के लिए नहीं, अपने आप के लिए नहीं। और जरूरतें पूरी भी हो जाती फिर भी इंसान परेशान रहता है, कभी सोचा आपने? हम ये सोचते हैं यार, कुछ परेशानियां हैं जिसे करनी पड़ती हैं। मैं समझता हूँ पैसे की जरूरत रहती है, पैसे काम आते हैं, करना पड़ता है, लेकिन पैसे से सुकून नहीं आता यार, ये हमने अच्छे तरीके से फील कर लिया। आपकी जरूरतें बेशक पूरी हो सकती। तो दोस्तों, परिवार में मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, पति पत्नी में एक दूसरे से बड़ी समझ होनी चाहिए, रिश्ते अच्छे से चलने चाहिए। जीवन का क्या है, आज है, अगला पल कौन जानता है, अगला पल कौन देखा है, कोई नहीं देखा है, तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो जिस पल में जिंदगी है उस पल को अच्छे से जियो। एक बात कहते हैं शायरी के माध्यम से, सुनिएगा, मौत को लोग यूं ही बदनाम करते हैं, मौत को लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तमाशा तो जिंदगी करती है। सही कहा ना मैंने? इस बात को जरा, इस शायरी को जरा गौर से सुनिएगा, और सुना है तो आपने इस पर गौर से सोचिएगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है। मेरे कहने का मतलब ये है, अरे यार फलनवा ऐसा हो गया, मर गया, ये है वो, ये कुछ भी नहीं है। उसमें बेशक हजारों कंधे आपके साथ हो, लेकिन वो कंधा किसी काम का नहीं जो जीते जी काम आए, जो जीते जी आपको सहारा बने। उन कंधों से क्या मतलब है, मरने के बाद हजारों कंधे मिल गए यार, जीते जी ये दो चार कंधे काम नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जीते जी सब खींचा तानी, ये जरूरत वो जरूरत, लड़ाई झगड़े मार, बातों को न समझना, गाली दे देना, नाराज होके चले जाना, क्या है, क्या है बताइए दोस्तों, है कुछ? तमाशा जिंदगी ही करती है ना। जब तक आप जीवित रहोगे हर कोई नाराज होके चला जाएगा, दुश्मन की तो बात ही छोड़ो यार, दोस्त भी नाराज होके चले जाते हैं, अपने नाराज होके चले जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, मोहब्बत से कोई बात नहीं करता है। जब आप दुनिया छोड़ दिए तो लोग आंसू बहाने चले आते हैं, साथ देने चले आते हैं, ये बात है हमारी। तो इसी बात पे हमने कहा कि मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, जिंदगी तो तमाशा करती है। सुख है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, लोग हैं, पराए हैं, अपने हैं, दुश्मन हैं, दोस्त हैं, पैसा है, कौड़ी है, धन है, दौलत है, जिंदगी में सब कुछ रहे लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। लोग कहते हैं मौत को बदनाम करते हैं, जिंदगी में सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, लोग पीछे खींचते हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लोग परेशान करेंगे, उल्टा सीधा आपके मुंह पे बोलेंगे, दोस्त यार हैं आपसे आपके ऊपर कमेंट करेंगे। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, तकलीफ देती है। खुद को बहुत कोऑपरेट करता हूँ, मैं भी बहुत अवसाद में चल रहा हूँ, बहुत तकलीफ में चल रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश है, आप भी हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर नए सब्सक्राइबर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पुराने जो दोस्त लोग हैं वो प्लीज़ चैनल पे एक कमेंट जरूर किया करें कि हाँ यार आपने ये वीडियो अच्छी बनाई, ये वीडियो ऐसा है या इस तरीके से बनाना है, तो हमें भी मोटिव होते हैं ना, इससे पॉजिटिव थिंक आती है, मतलब पॉजिटिव सोच आती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हमें भी किसान हैं तो किसानी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, टाइम उतना पाते नहीं, वीडियो हम बना नहीं पाते खुल के उतना, और हमारे समय में, हमारे दौर में तो मोबाइल था ही नहीं तो वीडियो हमारी कब की पड़ी होती, और पड़ी क्या होती, पैसे भी नहीं थे ना दोस्त कि मोबाइल खरीद सकें।
पैसे भी नहीं थे तो ना दोस्त, तो कि मोबाइल खरीद सकें, पैसे इकट्ठा करके मोबाइल ले सकें या खुद कुछ कर सकें। फिर कैसे 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 करके यहाँ तक पहुँचे, तो हम इतने बड़े हो गए, हम अपने और अपनों की ज़रूरतें पूरा करते हुए आज तक सच बता रहे हैं दोस्त, यकीन नहीं करेंगे आप लोग, आज तक हम एक मोबाइल नहीं खरीद पाए हैं। सही बता रहे हैं, अपने पैसे से। कभी हमने सोचा ही नहीं ऐसा कुछ कि हम ये कर लें अपने लिए। जब भी पैसे हमारे पास आएंगे हम अपनों के लिए खड़े रहेंगे, और वो पैसे अपनों के बीच में उनकी ज़रूरतों के लिए, उनके शौक के लिए हमने खर्च कर दिए। आज तक अपने लिए एक मोबाइल नहीं लिया। ये भी मोबाइल जो हमें मिली हुई है, गिफ्ट मिला हुआ है। गिफ्ट में क्या, दो लोगों ने पैसे लगा कर ये हमें दिए। मेरा मेरी शादी की सालगिरह थी, उसमें मिला था, याद आया, शादी की सालगिरह थी उसमें मिला हुआ था मेरी वाइफ ने और मेरी वाइफ के भाई ने, ये पैसे मिला के दोनों ने ये मोबाइल खरीदी। फिर भी इसलिए किस्मत ख़राब है कि सोचिए, किस्मत ख़राब नहीं है, अच्छी है, मानता हूँ मैं, बहुत अच्छी है। लोगों की नज़र से, लोगों के हिसाब से नहीं कर पाता हूँ मैं। मेरे पास कुछ भी पैसे होते हैं तो मैं वो सोचता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए और अपनों के लिए और अपनों की ज़रूरत के लिए खर्च करता हूँ। मैं खुद से मोबाइल नहीं ले पाया, सोचिए, कई बार सोचा कि ये मोबाइल लूँगा, वो मोबाइल लूँगा, नेट पे सर्च मारना, ऐसा करना, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा मोबाइल लूँ, और ये मोबाइल ख़रीद के मेरे हाथ में सीधा आ गई। फिर भी मुझे नहीं लग रहा था कि ये मोबाइल मैं चलाऊँगा, मैं दे दिया, मैं अपनी वाइफ को, मैंने कहा नहीं, इतनी महंगी मोबाइल मैं नहीं चलाऊँगा, मैं नहीं चला पाऊँगा, तुम ले लो, तुम चलाओ, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं, तुम्हारा ख़राब हो रहा है मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल दे दो, मुझे बहुत विशेष ज़रूरत तो रहती नहीं। लेकिन नहीं, पत्नी बोली कि हम तो हमेशा अपनी शौक पूरी करते रहते हैं, आपके पास जो रहता है वो हमें ही दे देते हैं, तो ऐसा है कि इस बार हम नहीं लेंगे, ये आपकी मोबाइल आपके नाम से आई, आप इसे चलाइए, चला के देखिए, अच्छा ना लगे तो बाद में बात की बात है। तो यही बात है दोस्त, यही सोचते हैं। आज तक इतने बड़े हो गए लेकिन मोबाइल नहीं खरीद पाए, इस बात का दुख भी होता है, पर खुशी इस बात की होती है कि परिवार समझने वाला मिला है। हाँ, उसे थोड़ी सी तकलीफ रहती है, तो हमें ही ज्यादा तकलीफ देती है, पर कोई बात नहीं, परिवार अपना है तो अपने से कहेगा ना, दूसरे से तो कहने नहीं जाएगा। ये रहे जीवन की कुछ बातें दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें हैं, आने वाले और वीडियो में हम बात करेंगे, बताते रहेंगे हमने क्या क्या झेला है, क्या क्या ज़िंदगी में हमारे हुआ है, हम सारी बातें शेयर करेंगे आपसे, हम सब बातें शेयर करेंगे। सभी दौर हमने देखे हैं, साइकिल नहीं थी हमारे पास वो भी दौर देखा है, गाड़ी नहीं थी हमारे पास वो भी दौर देखा है, उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कह दिया है, क्या क्या कह देते हैं, आज भी कह देते हैं। दोस्तों, बड़ी उम्मीद है कि आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी मोहब्बत देंगे, पूरा आशीर्वाद देंगे। मेरे पास आज भी कच्चा मकान है, घर नहीं है, बस अब आज के लिए इतना ही, इतना बता दिया है। अगले ब्लॉग में हम आपसे और सारी बातें करेंगे अपने जीवन से जुड़ी हुई। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग खुद को इरिटेट मत करना, खुद को तकलीफ मत देना, और घर परिवार से गुस्सा, लड़ाई झगड़े नहीं करना, ऐसा कुछ भी मत करना दोस्तों। आप लोगों से बहुत बहुत विनम्र निवेदन है, बस आज के लिए इतना ही,
बहुत ज़्यादा लंबा ना हो ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।